हाय फ्रेंड्स, कई हमारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि मैम आपकी स्ट्रेटजी क्या थी कॉमर्स से जीआरएफ क्वालिफाइड करने के लिए, आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी, कितना टाइम आपने स्टडी किया। तो देखो, हम हाउसवाइफ हैं, हमारे बच्चे भी हैं, तो कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड तो फिक्स होता नहीं है कि इतने टाइम पीरियड ज़रूरी पढ़ना, लेकिन मैक्सिमम जितना हो सके उतना पढ़ने की कोशिश करते हैं। और जो पढ़ते हैं उससे ये नहीं कि आज उसको रिवाइज कर लिया कल फिर उसी को रिवाइज करेंगे, जी नहीं, जितना पढ़े उतना ये हो कि हाँ ये तो कंफर्म है कि अगर इसमें से क्वेश्चन आए हम सॉल्व कर सकेंगे। यानी कि जो आप यूनिट्स तैयार करो वो 100% करो। जैसे अब हमारी 10 यूनिट्स हैं, तो इनमें से ऐसा होना चाहिए कि आपकी 6 यूनिट्स बिल्कुल फुल सिलेबस की तैयारी होनी चाहिए, 6 यूनिट्स की तो कम से कम, और जो 4 यूनिट बचती हैं उनमें से आप एक बार रिवाइज करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ताकि जो इजी क्वेश्चन है वो तो आपके गलत ना हो। और हाँ, इसके साथ साथ पेपर फर्स्ट की तैयारी करते रहिए। पेपर फर्स्ट के लिए आप ट्रूमैन या फिर KVS मदान की जो बुक आती है उसको प्रेफर कर सकते हो। इसके साथ साथ अपनी तैयारी, आप अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो आप ऑनलाइन स्टडी से कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन आजकल फुल मैटर तैयार मिलता है। और कई ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बुक में से ना समझ में आए तो सुनने से समझ में आ जाते हैं, उसके बाद आप उसको बुक्स में से भी रिवाइज कीजिए, ताकि एक दो पॉइंट जो आपका रह जाता है उसको भी आप कवर कर सको। तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की जो फर्स्ट यूनिट है उसके लिए हम असफ थापा की बुक को प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद जो हमारी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की सेकेंड बुक है, अकाउंटिंग के लिए तो देखो इसका सिलेबस इतना वाइड है, इसके लिए हमने +1 +2 क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल्स वगैरह हैं जो उसको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करवाया गया है। उसके साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए DK गोयल, KL गुप्ता की बुक्स को भी प्रेफर देते हैं। उसके बाद है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए आप TR Jain की बुक्स को पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपने जो प्लस टू लेवल में जो आपने बुक्स पढ़ी है उसको भी प्रेफरेंस दे सकते हो। देखो, मेन तो जो +1 +2 का है या BCom तक का है उन कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप हाई लेवल पे जाइए। अगर वही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और वैसे पढ़ रहे हो, वैसे तैयारी कर रहे हो, तो GRF नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंस के लिए आप क्या नाम था बुक का, बिजनेस फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए आप IM पांडे या फिर SP गुप्ता को प्रेफरेंस दे सकते हो। उसके बाद बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड, इसके लिए आप कोठारी या फिर कोठारी की बुक ही बेस्ट रहेगी। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके लिए भी आप आसु थापा की बुक्स को प्रेफरेंस देंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक्स हमने नहीं पढ़ी थी, जहाँ से भी कोई मैटर बैंकिंग से या फिर कोई और हमारे कहीं से भी बैंकिंग का जो मैटर मिलता है वहीं से हमने इसको स्टडी किया था। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए आप फिलिप कोटलर की बुक को प्रेफरेंस दे सकते हो, वहाँ उनकी लैंग्वेज भी बहुत ही इजी है और उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो ये बुक हमें इंग्लिश मीडियम में ही मिलती है कोटलर की, बट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसको अच्छी तरह से ईजिली समझ सकते हैं, और हमने बहुत सारी मार्केटिंग की वीडियो डाली है। अगर कोई टॉपिक आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेशन में बताइए, और नहीं तो हमने पूरे फुल सिलेबस डालने की कोशिश की है, आप वहां से कर सकते हो। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग, ये बुक आप CA की, अगर कोई आपके आपका फ्रेंड है CA का या फिर कोई सर्कल में कहीं आपका कोई CA से लिंक्ड है स्टूडेंट से, तो आप वहां से उनसे हेल्प ले सकते हो, या फिर आपके पास कोई बुक्स है जैसे लीगल एस्पेक्ट्स के हमारे जो कई लॉ हैं वो हमारे BCom सिलेबस BCom की बुक में भी मिल जाते हैं, तो आप इस तरह से आप कहीं से भी, मतलब जहां से हमारे हरियाणवी में कहा जाता है जुगाड़ बिठाया जाए, वहां से आप बिठा सकते हो, क्योंकि सिलेबस में से एक बार तो पूरे फुल सिलेबस में से निकलना ही होता है, ठीक है। ये नहीं कि आपने कुछ पढ़ लिया कुछ छोड़ दिया, जी नहीं, एक बार फुल सिलेबस में से निकलिए और 6 यूनिट्स को बिल्कुल कम
100% कंफर्म कीजिए, और ये नहीं कि आज आपने 3-4 घंटे पढ़ लिया, कल एक भी घंटा नहीं पढ़े, जी नहीं, अपनी रेगुलरिटी बना के रखिए। और साथ साथ जिस सब्जेक्ट्स का आपका सिलेबस हो जाता है, जो यूनिट हो जाती है, उसके आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दीजिए। उससे अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपको ये पता चलेगा कि इसके पीछे क्या वजह रही, मुझे कहीं समझने में गलती हो गई या फिर जल्दबाजी की वजह से, ठीक है। तो आप अपने साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहना, और इसके लिए आपको जो सीरीज़